प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गठित नई सरकार में नई उम्मीद को लेकर प्रदेश भर के आयुष नर्सेज का शिष्टमंडल अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शीतलमल सेनी के नेतृत्व में जल्द ही नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम से मिलकर उनका सम्मान किया जाएगा। सम्मान के साथ आयुष नर्सेज महासंघ की ज्वलंत मांगों की और उनका ध्यान आकर्षण करवाकर शीघ्र ही समाधान की मांग रखेगा। प्रदेश अध्यक्ष सैनी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चिरंजीवी समेत किसी भी योजना को बंद नहीं करने के ऐलान का स्वागत किया और इसे जनता के प्रति संवेदनशीलता करार देते हुए कहा कि आयुष नर्सेज का संशोधित मांग पत्र तैयार करने के लिए महासंघ की टीम पूरा होमवर्क कर रही है। शीघ्र ही संशोधित मांग पत्र पूर्ण तथ्यात्मक विवरण के तैयार कर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ निराकरण हेतु नई सरकार के समक्ष रखा जाएगा। सेनी ने कहा कि विगत सरकार के अंदर हालांकि हमारी कई मांगे पूरी हुई, परंतु आयुष नर्सेज को मेडिकल नर्सेज के बराबर वेतनमान और नर्सिंग भत्ता देने सहित संपूर्ण कैडर स्ट्रेंथ पर नर्सेज का कैडर रिव्यू तथा वर्ष 2021 और 2023 की नर्सेज भर्ती को पूरा करवाने आदि कई मांगों का निराकरण नहीं हो पाया था, जिसके लिए अब नई भजनलाल सरकार के अंदर महासंघ द्वारा पूर्णतया प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन करने पर अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ का शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष शीतलमल सैनी के नेतृत्व में जल्द ही सीएम साहब श्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट वार्ता कर एवं उनका महासंघ की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा तथा साथ ही प्रदेश के आयुष नर्सेज की जो मांगे हमारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई उनके लिए उन मांगों को सरकार की 100 दिन की कार्य योजनाओं में शामिल करवाने की मांग भी रखेंगे तथा इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा चिरंजीवी योजना सहित प्रदेश में अनेक स्वास्थ्य व जन कल्याण योजनाओं को बंद नहीं करने का जो ऐलान किया गया है उसका मैं अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं तथा इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता के व कर्मचारी हितों के प्रति सदैव सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे, ये हमें पूर्ण संभावना है, पूर्ण आशा है तथा इसी अवसर पर हम हमारे डिप्टी सीएम माननीय श्री दिया कुमारी जी तथा श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब का भी उनसे भी हम मिलकर के उनका भी हम स्वागत करेंगे महासंघ की ओर से तथा अभी जल्द ही जब सरकार का नया मंत्रिमंडल गठन होगा तो उस मंत्रिमंडल गठन को लेकर के हमारे जो चिकित्सा मंत्री आयुर्वेद मंत्री जो भी बनेंगे कैबिनेट का हम पूरी कैबिनेट का स्वागत करेंगे तथा आगे हमारी आयुष नर्सेज की मांगों को किस स्तर पर हमें पूर्ण करवाना है इसके लिए हम सरकार के साथ बैठ करके वार्ता करेंगे। धन्यवाद। जय संगठन, जय महासंघ।